शोमैन, वह उपाधि जिसे सुनकर एक से बढ़कर एक दिग्गज निर्देशकों और उनकी फिल्मों के नाम हमारी आंखों के सामने आने लगते हैं। राज कपूर जी जैसे कुशल और सुभाष घई जी जैसे सफल निर्देशकों को मीडिया द्वारा यह उपाधि दी गई, लेकिन इन निर्देशकों के अलावा भी कई और ऐसे सफल निर्देशक हुए जिनके योगदान को कभी इनसे कमतर नहीं आंका जा सकता है। बेशक वे निर्देशक हमेशा सुर्खियों में तो नहीं रहे, लेकिन अपने काम से वे दर्शकों के दिलों में हर बार अपनी जगह बनाने में सफल रहे, फिर चाहे वो फिल्म हो या धारावाहिक। ऐसे ही सफल निर्देशकों में एक नाम है लेख टंडन जी का, जिनके निर्देशन को आज भी उतना ही याद किया जाता है जितना कि प्रदर्शन के वक्त याद किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और स्वागत आपका हमारी आज की इस वीडियो में। लेख टंडन जी का जन्म 13 फरवरी 1929 को लाहौर के शेखुपुरा में हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है। लेख टंडन जी का परिवार कपूर खानदान से काफी करीब था। पृथ्वीराज कपूर और लेख टंडन के पिता फकीर चंद टंडन स्कूल के दिनों के मित्र हुआ करते थे। दोनों ने ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के लयालपुर स्थित खालसा स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी। पृथ्वीराज कपूर जब फिल्मों में सफल हो गए तो उन्होंने अपने मित्र फकीर चंद टंडन के बेटे यानी लेख टंडन के भाई योगराज टंडन जी को बतौर सहायक निर्देशक और अपने सेक्रेटरी के तौर पर साथ जोड़ लिया। लेख टंडन जी को भी फिल्म जगत में कदम रखने का सुझाव पृथ्वीराज कपूर ने ही दिया था। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लेख भी फिल्मों में काम करें, वे चाहते थे कि लेख एक इंजीनियर बने। पिता के दबाव में आकर लेख टंडन ने सिविल इंजीनियर बनने के लिए इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन उनका मन मुंबई जाकर फिल्में करने का ही था, इसलिए जानबूझकर उन्होंने उसकी परीक्षा का एक पेपर दिया ही नहीं ताकि उनका सिलेक्शन इंजीनियरिंग में ना हो सके। कपूर फैमिली से उनकी घनिष्ठता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की पत्नी की बहन उमा जी से करने का मन कपूर परिवार ने बना लिया तो लेख टंडन ही प्रेम चोपड़ा जी के पास इस शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि बॉलीवुड एक्टर प्रेम नाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, उमा चोपड़ा और कृष्णा कपूर सगे भाई बहन हैं। 50 के दशक में लेख जी ने वीएन रेड्डी, केदार शर्मा, राज कपूर जैसे जाने माने निर्देशकों के साथ बतौर सहायक निर्देशक काम करना शुरू किया। उनकी लाइफ में टर्निंग प्वाइंट आया वर्ष 1962 में, जहाँ उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म प्रोफेसर बनाई। इस खूबसूरत फिल्म में सदाबहार अभिनेता शमी कपूर, ललिता पवार और अभिनेत्री कल्पना मुख्य भूमिका में थे। वर्ष 1966 में उनकी फिल्म आम्रपाली रिलीज हुई, जिसमें बैजंती माला और सुनील दत्त मुख्य भूमिका में थे। हालांकि यह फिल्म हिट तो नहीं रही, लेकिन आज इसकी गिनती एक क्लासिक फिल्म के रूप में की जाती है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली पर आधारित इस खूबसूरत फिल्म को 39वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से चुना गया था, लेकिन नामांकन के लिए बाद में इसे अस्वीकृत कर दिया गया। दोस्तों, लेख टंडन जी द्वारा निर्देशित फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें झुक गया आसमान, प्रिंस, जहां प्यार मिले, आंदोलन, एक बार कहो, शारदा, खुदा कसम, दूसरी दुल्हन, उत्तरायण, दो राहें और दुल्हन वही जो पिया मन भाए आदि जैसी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और शानदार फिल्में शामिल हैं। उनके निर्देशन के स्तर का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रणधीर कपूर को निर्देशन सीखना हुआ तो राज कपूर ने उन्हें लेख टंडन का ही सहायक बनने को कहा था, जबकि लेख जी कभी खुद राज कपूर के सहायक हुआ करते थे। एक शानदार निर्देशक के साथ साथ लेख टंडन लेखन में भी माहिर थे। फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए के स्क्रीन प्ले के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बात जब उनकी सफल फिल्मों की होगी तो 80 के दशक में प्रदर्शित अगर तुम न होते को कैसे भुलाया जा सकता है। लेख टंडन द्वारा निर्देशित राजेश खन्ना की यह फिल्म उस वक्त हिट हुई थी जब राजेश खन्ना के सुपरस्टार वाला दौर गर्दिश में जा रहा था। इस फिल्म के लिए लेख टंडन जी को उनके बेहतरीन निर्देशन के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। लेख जी द्वारा निर्देशित फिल्में जहां एक और खूबसूरत और मनोरंजक होती थी, वहीं दूसरी ओर उनमें कुछ न कुछ सामाजिक संदेश भी छुपा होता था। उनकी फिल्मों की कहानी ऐसे विषयों पर हुआ करती थी जिन पर समाज में बहुत ही कम लोग खुलकर बात करते हैं। आज के दौर में सरोगेट मदर पर आधारित बेशक कई फिल्में बन रही हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेख टंडन जी ने वर्षों पहले अपनी फिल्म दूसरी दुल्हन में उठा चुके हैं। 80 के दशक में टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लेख टंडन जी ने टीवी का रुख किया और कई लोकप्रिय धारावाहिक निर्देशित किए, जिनमें फिर वही तलाश, दिल दरिया, फरमान, दूसरा केवल, दरार, अधिकार, कहां से कहां तक, मिलन, एक आंगन के हो गए दो और बिखरी आस निखरी प्रीत आदि प्रमुख है। दोस्तों, लेख टंडन जी द्वारा निर्देशित सफल धारावाहिक फिर वही तलाश से पहले ही उन्होंने धारावाहिक दलदरिया पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बनने में देरी होने से फिर वही तलाश को उनके पहले धारावाहिक का श्रेय मिला। वर्ष 1989-90 में प्रदर्शित इस धारावाहिक को दूरदर्शन के आज तक के सबसे सफल रोमांटिक धारावाहिक के रूप में आज भी याद किया जाता है। लेख जी को इस बेहतरीन धारावाहिक के निर्देशन के लिए उस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों, नारद टीवी पर लेख टंडन जी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक के साथ ही धारावाहिक फरमान पर आधारित वीडियोज आ
चुके हैं, अगर आपने मिस कर दिए हो तो अवश्य देखें। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, लेक टंडन ने अपने हर धारावाहिकों में हमेशा उभरते हुए कलाकारों को मौका दिया, यहाँ तक कि शाहरुख खान की खोज का श्रेय भी लेक जी को ही जाता है। उन्होंने वर्ष 1988 में शाहरुख को अपने पहले धारावाहिक दिल दरिया के लिए कास्ट किया था, लेकिन धारावाहिक फौजी का प्रसारण पहले होने से उसे शाहरुख खान के पहले धारावाहिक का श्रेय मिला। शाहरुख की खोज को लेकर एक इंटरव्यू में लेक टंडन ने बताया था कि 80 के दशक में वे दिल्ली में एक टीवी सीरियल शूट कर रहे थे। एक दिन एक जवान लड़का उनके सेट पर किसी को छोड़ने आया, उसके लंबे लंबे बाल थे। लेक ने उसे रोक और पूछा कि मेरे साथ काम करोगे, पर बाल काटने होंगे। लड़के ने पूछा, अगर मैं बाल कटवा लूं और आपने काम भी नहीं दिया तो? लेक ने कहा, बाल कटवाओ, काम मिलेगा। वो बाल कटवा कर वापस आया और लेक ने कहा, इतने से नहीं चलेगा, और काटने पड़ेंगे। लड़का इसके लिए तैयार हो गया, उसे लेक जी के धारावाहिक दिलदरिया में काम भी मिल गया। उस लड़के का नाम था शाहरुख खान। दोस्तों, कम लोगों को पता होगा कि शाहरुख को फौजी धारावाहिक में काम दिलवाने का श्रेय भी लेक जी को ही जाता है। शाहरुख के अच्छे अभिनय को देखकर उन्होंने एक और सीरियल में शाहरुख का नाम प्रस्तावित किया और उस धारावाहिक का नाम था फौजी, जो दिल दरिया से पहले टीवी पर प्रसारित हुआ। धारावाहिक दिल दरिया के बाद उन्होंने शाहरुख के साथ एक और धारावाहिक बनाया जिसका नाम था दूसरा केवल। फिल्मों में कामयाब होने के बाद शाहरुख लेक जी के एहसान को कभी नहीं भूले। हालांकि एक इंटरव्यू में लेक जी ने बताया था कि दोनों के बीच प्रोफेशनल मनमुटाव हो जाने से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन फिर भी लेक जी और शाहरुख के बीच हमेशा एक गुरु शिष्य का रिश्ता बना रहा। बेशक शाहरुख को उनके निर्देशन में बाद में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शाहरुख ने अपनी कई फिल्मों में लेक टंडन जी को बतौर अभिनेता काम दिलवाया, जिनमें स्वदेश, पहली और चेन्नई एक्सप्रेस आदि प्रमुख है। अभिनय की बात करें तो लेक जी फिल्म रंग दे बसंती में आमिर खान के साथ भी नजर आए थे। इसके अलावा चार फुटिया छोकरे और हल्ला बोल आदि फिल्मों में भी उन्होंने बतौर एक्टर काम किया। गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ लेक जी ने हास्य भूमिका भी निभाई। धारावाहिक सुमित संभाल लेगा में वे हैप्पी ताऊ की भूमिका में लोगों को हंसाने में भी सफल रहे। 15 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की आयु में लेक जी का देहांत हो गया। दोस्तों, लेक टंडन जी आखिरी वक्त तक निर्देशन के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनके द्वारा निर्देशित उनकी आखिरी फिल्म थी फिर उसी मोड़ पर, जो कि ट्रिपल तलाक पर आधारित थी, जो कि उनके देहांत के बाद प्रदर्शित हुई। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं लेक टंडन जी के पारिवारिक जीवन पर। लेक टंडन जी की पत्नी का नाम स्वर्ण टंडन था, जिनका देहांत लेक टंडन जी के देहांत से कुछ वर्षों पहले ही हो चुका था। लेक टंडन जी की 4 संतानें हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम नितिन टंडन, राहुल टंडन, गीता मल्होत्रा और अनुराधा रावते हैं। मुंबई में लेक टंडन जी अपनी बेटी गीता मल्होत्रा के साथ ही रहा करते थे। दोस्तों, लेक टंडन अपनी जिंदगी में ज्यादातर सुर्खियों से दूर ही रहे, फिर भी उनके काम के जरिए लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। हिंदी फिल्मों में उनका दर्जा किसी शोमैन से कम नहीं है। नारा टीवी लेक टंडन जी के चाहने वालों की तरफ से लेक जी के निर्देशन और कला के क्षेत्र में उनके योगदान को सलाम करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि लेक टंडन जी पर आधारित आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।